सिंपली यहाँ से इस साइन पे क्लिक करना। इससे बेनिफिट यह है फ्रेंड कि आप अपने हिसाब से अपनी फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर का ऑप्शन है, पैन कार्ड का अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड का मोड क्या है फ्रेंड, आप यहाँ से पैन कार्ड का मोड सेलेक्ट करना है जिनमें आपको बहुत यानी फिजिकली और ई पैन कार्ड दोनों चाहिए। इसके बाद फ्रेंड आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ से फिल करना है जिनमें अपने ब्लॉक का नाम यहाँ से फ्रेंड अपनी बिल्डिंग या विलेज का नाम आपका पोस्ट ऑफिस क्या है। यहीं से आके आप सीधा पेमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट ई साइन कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आप केवाईसी करना चाहते हो केवाईसी। अगर फ्रेंड आपको अपना पैन कार्ड बनाना है तो इसके लिए आपके जो भी नियरेस्ट आपकी ऑनलाइन की दुकान है जहां से पैन कार्ड बनाया जाता है, या फ्रेंड आप यहां से संपर्क करते जो भी आपके नियरेस्ट पैन कार्ड की ऑफिस है तो आप पैन कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको अगर एक तरीका बताऊं फ्रेंड जिसमें अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ही मात्र एक ऐप्स के थ्रू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पैन कार्ड में अप्लाई करने से लेकर अगर आप पैन कार्ड को करेक्शन करना चाहें तो पैन कार्ड में आप करेक्शन भी कैसे कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ फिर पैन कार्ड को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, फिजिकल पैन कार्ड मंगाना चाहे तो पैन कार्ड कैसे मंगा सकते हैं, जो आप नया पैन कार्ड मंगाएंगे फिर उसमें आप न्यू फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर के साथ ही पैन कार्ड को बना सकते हैं, जिसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सो गाइज अगर आप न्यू पैन कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बनाना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो चलिए जानते हैं को सबसे पहले करना क्या है, प्ले स्टोर से उमंग ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपको इसे सिंपली ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। इसका फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ से अगर पहली बार विजिट करें तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ से देख सकते हैं राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से प्रोफाइल का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक करना है, जहाँ से आपकी परमिशन बोलेगा अलाउ तो आपको यहाँ से लोकेशन की परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अगर फ्रेंड पहले से आपका अकाउंट है तो मोबाइल नंबर और अपना एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर विद द यहाँ से मेरी पहचान, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपको न्यू उमंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो आप न्यू उमंग पर क्लिक करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ से आपको मोबाइल नंबर डालना एंड रजिस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आपके नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी सेंड करने के बाद आपको नाम फिल करना है, यहाँ से इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन करने के लिए लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डालना है, एम पिन डालना है एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से सबसे पहले आपको अपना पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने ऐसे 4 डिजिट का पिन क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप फिर यहाँ से देख सकते हैं पिन आपके क्रिएट हो जाएगी, आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फैमिली ईमेल आईडी अगर करना चाहते हो ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पैन कार्ड से संबंधित और सर्विस यूज करना चाहते हो उमंग ऐप्स के थ्रू, तो आपको यहाँ से ऑल सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑल सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको यहाँ से पैन टाइप करना है, तो इसे नीचे देख सकते हैं आपको माई पैन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली माई पैन पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप माइन पेन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप आएगा, आप इसे ओके कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ से आप यहीं से न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन या फिर कुछ भी चेंज करना चाहे तो उसे कर सकते हैं, अपना यहाँ से पैन कार्ड संबंधित कोई क्वेरीज हो उसे यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अपने नियरेस्ट लोकेट सेंटर को भी यहाँ से लोकेट कर सकते हैं, और अदर सर्विस का भी ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यू पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे फ्रेंड आप न्यू पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला ईकेवाईसी के थ्रू, जिनमें आपके आधार कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यूके यहाँ से केवाईसी के थ्रू अपना ऐसे पैन कार्ड बना सकते हैं। दूसरा फ्रेंड ई साइन, यानी सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके आधार प्रूफ से सहित आपको ऐसे ओटीपी के सेल करके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी ई साइन के थ्रू होता है, जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड फॉर्म, यहाँ से 49A फिजिकली, यानी फिजिकली फॉर्म को आपको सेंड करना रहता है। सबसे बेस्ट है फ्रेंड ई साइन का, तो आपको सिंपली यहाँ से ई साइन पे क्लिक करना। इससे बेनिफिट ये है फ्रेंड कि आप अपने हिसाब से अपनी फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ई साइन पे फ्रेंड जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है, यहाँ से ये लोडिंग लेगा, फिर आपके सामने एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगी, जहाँ से देख सकते हैं गाइडलाइंस के बारे में बताया जाएगा, तो आप यहाँ से गाइडलाइंस को यहाँ से प्रोसीड करना है। अब इसके बाद फिर यहाँ सबसे पहले ऑप्शन है पैन कार्ड का, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड का मोड क्या है फ्रेंड, आप यहाँ से पैन कार्ड का मोड सेलेक्ट करना है, जिनमें आपको बहुत यानी फिजिकली और ई पैन कार्ड दोनों चाहिए, या फिर ओनली ई पैन कार्ड चाहिए ना कि फिजिकली पैन कार्ड। अगर आपको दोनों चाहिए तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है।
देन इसके बाद आपको यहाँ से टाइटल को सेलेक्ट कर लेना है, जिनमें टाइटल अपना सेलेक्ट करेंगे। आपको टाइटल सेलेक्ट करने के बाद अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ से नेम ऑफ कार्ड, यानी नेम ऑफ कार्ड जो कार्ड में नेम रहेगा उसे आपको यहाँ से टाइप करना है। इसको आप फिर नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं पूछा जा रहा है कि आपका कोई निक नेम है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद टाइटल पूछेगा, फिर यहाँ से लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी जानकारी यहाँ से फिल करनी है। तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ, नहीं है तो ये हट जाएगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं पूछा जा रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपकी बर्थ क्या है, जहाँ आपने यहाँ से डेट है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो आपको कैलेंडर पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। पूछ रहा है वदर द मैम है सिंगल पेरेंट्स, अगर हैं तो भी यस कर देंगे। फिर यहीं से नीचे आएगा तो आपको फादर संबंधित जानकारी फिल करना है, जो आपको पैन कार्ड में आएगा लास्ट फर्स्ट नेम। मदर का ऑप्शनल है, फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है फ्रेंड के जो आपका यहाँ से मदर या फिर फादर नेम जो आपको पैन कार्ड में प्रिंट होकर कौन आएगा, अगर आप पैन मदर करना चाहे तो मदर करेंगे, फादर करना चाहे तो फादर करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ से फिल करना है, जिनमें अपने ब्लॉक का नाम, यहाँ से फ्रेंड अपनी बिल्डिंग या विलेज का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है यहाँ से फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड एरिया आपकी क्या है आपको यहाँ से फिल करना है, टाउन या सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से डालेंगे, आपकी यूनियन टेरेटरी या फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना, पिन कोड आप यहाँ से टाइप करेंगे, अपनी कंट्री का नेम आपको चूज करना है। अगर फिर आपका परमानेंट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको सिंपली इसको चेक मार्क कर देना है, जो भी ऊपर का एड्रेस रहेगा आपको सेम टू सेम कॉपी होकर नीचे आ जाएगा। फिर पूछा जाएगा फिर आपके आधार कार्ड का नंबर, तो आपको इसे यस है रहने देना। इसके बाद फिर न्यूमेंट आईडी नेम है इस पर आधार, उसको फिल करना है, आई हैव इसे एक्सेप्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपको फाइनेंशियल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। फाइनेंशियल डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार फ्रेंड अगर आप पैन कार्ड में कोई करेक्शन करना चाहेंगे तो अपने पैन कार्ड में ऐसे कोई सा भी करेक्शन यहाँ से आके कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना, फिर अगर आप ई साइन के थ्रू करना चाहते हैं या फिर CSF फॉर्म फिजिकली करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम ई साइन के थ्रू अगर करेक्शन करना चाहेंगे तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे फिर ई साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ से भी गाइडलाइंस आती है, आपको इसको नेक्स्ट करेंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर फिल करके नेक्स्ट फिल करेंगे फिर, तो जो भी करेक्शन रहेगा यहाँ से आप अपने करेक्शन को भी आके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और सर्विस की बात करूं अदर सर्विस में, तो अदर सर्विस पे क्लिक करेंगे फिर, तो यहाँ से देख सकते हैं यहीं से आके आप सीधा पेमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट ई साइन कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर आप KYC करना चाहते हो KYC भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आधार फॉर फिजिकली करना चाहते उसे भी यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो डायरेक्ट पेमेंट पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपके मन में कोई भी अगर क्वेरी रह गई हो तो यहाँ से पैन क्वेरी पे आकर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और अपने नियरेस्ट पैन कार्ड के सेंटर अगर लोकेट करना चाहे तो लोकेट कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है तो आप ऑफलाइन अपने फिजिकली में जाकर भी करवा सकते हैं अपने नियरेस्ट सेंटर में। तो आपको यहाँ से सिटी ब्रांच सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे फ्रेंड, तो जो भी आपके नियरेस्ट पैन कार्ड रहेगा उसकी जानकारी यहाँ से दिख जाएगी। सो फ्रेंड ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप UTI के थ्रू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फिर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, लेकिन साथ में रीजन जरूर दें ताकि मैं उसमें आगे से सुधार कर सकूं। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा। मैं आपके लिए जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। एक नॉलेजबल टॉपिक के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय।